हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो ऑडिटिंग में भी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, राइट। तो ऑडिटिंग ऑडिटर क्यों करता है, ओके। तो ऑडिटिंग का मतलब होता है अकाउंट्स को चेक करना, एग्जामिन करना, वेरीफाई करना। तो व्हाट आर द पर्पस बिहाइंड ऑडिटिंग, ओके। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट, ओके, क्यों करता है, सवाल है। तो दो रीज़न, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी, राइट। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, उस पर वो अपना ओपिनियन बताता है, राइट। ऑडिटर इज टू वेरीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या करेगा उसको, वेरीफाई मतलब चेक करेगा डिटेल में, बुक्स ऑफ अकाउंट को सर्टिफाई करेगा कि कितना सही है कितना गलत है, जो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कितना अच्छे से बताया गया है या कि गलत बताया, ये विंडो ड्रेसिंग, सीक्रेट रिजर्व, ट्रू एंड फेयर व्यू, ये जज करके बताता है। तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी। तो प्राइमरी में आपको क्या बताने का मालूम है क्या, टू एग्जामिन दी एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। यार एक्यूरेसी रेफर्स टू दी अकाउंट्स को चेक करेगा वो, मतलब क्या करेगा, जो भी अकाउंट्स है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, उसको चेक करेगा, राइट। वाउचर, अदर रिकॉर्ड्स को सर्टिफाई करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को देखेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सब सही है कि नहीं वो देखेगा, राइट, कुछ झोलझाल तो नहीं है। तो ये क्या करेगा, एग्जामाइन मतलब होता है चेक, एक्यूरेसी मतलब कितना सही है। फिर चेक करने के बाद रिपोर्ट तैयार करेगा, क्या तैयार करेगा, उसको बोलते हैं ऑडिटर रिपोर्ट। मींस एक्सप्रेस दी ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उसने ऑडिट करते हुए क्या क्या ढूंढा, क्या क्या समझ में आया। जैसे आप डॉक्टर के पास कुछ टेस्ट कराने जाते हो, ब्लड टेस्ट, कुछ भी टेस्ट, तो शाम को बुलाता ना वो, तो शाम को क्या देता है, वो रिपोर्ट देता है। शाम को ऐसे नहीं बोलता सब सही आप घर पे जाओ, नहीं, अपन रिपोर्ट मांगते ना उससे, सेम। तो आफ्टर वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, चेक करने के बाद ऑडिटर शुड एक्सप्रेस हिज एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द ट्रूथनेस एंड फेयरनेस, सही और गलत कितना स्टेटमेंट है, राइट। तो सर्टिफाई दैट प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट बैलेंस शीट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, जो भी PNL अकाउंट है, जो भी बैलेंस शीट, वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, ओके, कंपनी का। तो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, किसका, ऑडिटर का। सेकेंडरी क्या करता है, आपने जो एक आंसर पढ़े ना, एरर्स और फ्रॉड, क्या पढ़े, तो टाइप्स ऑफ एरर के हेडफोन डाल देने का। ऑडिटर वो सब एरर्स को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, फाइंड करता है, उसको करेक्ट करता है, रेक्टिफाई करता है, ठीक करता है। ऑडिटर का काम है एरर्स को ढूंढना, और एरर क्या होता है, अनइंटेंशनली होता है, क्या होता है, और दूसरा काम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, जो भी फ्रॉड है उसको ढूंढता है। तो फ्रॉड मतलब एरर्स में आपको ये हेडफोन डाल के समझाने का कि ऑडिटर सबको रेक्टिफाई करता है, और फ्रॉड में क्या करने का है, ये डाल देने का ना, जो अपने आंसर्स पढ़ चुके, राइट, टाइप्स ऑफ फ्रॉड। तो ऑडिटर एरर्स ऑफ फ्रॉड को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट मतलब ढूंढता है और उसको प्रिवेंट करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम ये ना हो, राइट। तो मीनिंग डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड है ना। तो हमने जो एरर और फ्रॉड पढ़ा उसको शॉर्ट में डाल देने का, ओके, डिटेल में डालने की जरूरत नहीं है। एरर्स क्या होता है, अनइंटेंशनली, जो अनजाने में होता है, और फ्रॉड जो झोल जो जानबूझ के करता है ना। तो ये आंसर मैंने पहले ही पढ़ा दिया, उसको शॉर्ट में उठा के तुम्हारा ये आंसर तैयार हो जाएगा। कौन सा आंसर तैयार हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव, क्यों ऑडिटर ऑडिट करता है, सिंपल, ठीक है। शॉर्ट में पढ़ा रहा, ज़्यादा डिटेल में जाके घुमा फिरा के मतलब नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।